यू कैन कॉल मी आयुष. प्लीज हैव अ सीट. या थैंक्स. इन्होंने एक मैरिज कॉन्सेप्ट दसा है. तेनू ना कॉन्सेप्ट ते आइडिया पसंद है? हाँ जी, पर तुसी भी एक बारी चेक कर लो. इट्स ओके, जे तेनू वधिया लग रहा ते फिर ली भी ओके. ठीक है तो फिर डील फाइनल करिए. पर बजट? बजट कुछ ज्यादा नहीं, बस 10 लाख. हाफ ये पे करेंगे, हाफ मैं पे करांगी. तुसी मेरे हाफ ते विचों ईएमआई कर सकदे हो? मैं ईएमआई किद्दां मैनेज करांगा? वन सेकंड. आमनी प्लीज कम. की कर रही है? मेरी गल सुन, ते जेड़ी तू ईएमआई करनी है ना, वो मैं ना करना है. मैं करूंगा. ठीक है. प्लीज आयुष्मान, मैं अपने पेरेंट्स नू इस मैरिज का बर्डन नहीं देना चाहती. सो ओके, ठीक है, जे पेरेंट्स की गल है तो फिर मैं ईएमआई मैनेज कर लांगा. देखिया मान गए. चलिए आप. डू वन थिंग, इन्हों अपने घर का एड्रेस दे दे ताकि आराम ना पहुंच जाए. ओके अंबर. अंबर? या अंबर कपूर. आई एम रियली वेरी सॉरी. इट्स फाइन. कोई गल नहीं, मैं कर देना. नहीं नहीं, मैं कर लूंगा. थैंक यू. मैं नहीं नहीं, इट्स फाइन. थैंक यू. यू श्योर? इट्स फाइन. थैंक यू. ओके बाय. Excuse me. Oh, sorry. Okay, bye. See you. Let's go. कितने साल हो गए अंबर, कितने साल बाद आज मिले मैं तुम्हें. पता नहीं जिंदगी ने किस मोड़ पर ले आके खड़ा कर देता. जिस घर तो बेइज्जत करके कढ़िया सी, आज फिर उसी घर जाना पैना. उस माया कपूर नू फिर फेस करना पैना, सब कुछ फिर महसूस करना पैना. आज इन्ने साल बाद फिर तो मैं तेरी मनुष्य शक्ल देखी है. किन्ने साल पहला मैं तेनू अंबर दी लाइफ चो कढ़ दिता सी, पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं. तू ना ही जिंदा होवे तो चंगा है ध्रुव. मैं कदे भी एहो जिहा कुछ नहीं किया. तुसी किया सी? चुप कर ध्रुव. पता नहीं इना झूठ बोलना कितों सीख गया है. रश्मि अंबर, मैं सच बोल रहा, ए झूठ बोल रहे ने. ध्रुव, वो नाम जो मेनू इदा लगता जिदा मेरी पिछली जिंदगी विच. ध्रुव कपूर तू ही सी ना जिसनू मार के आयुष्मान सानी का जन्म होया सी. आज इदा लगता जिदा अंबर ने फिर तेनू जिंदा कर दिता. ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਗਏ. ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਹਲਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇਸ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ. ਈਵੈਂਟ ਪਲੈਨਰ 5 ਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੈਡਿੰਗ ਪਲੈਨ ਕਰੇਗਾ.
कपूर खानदान के बेटे की मैरिज है। अरेंजमेंट्स देख के लोगों के होश उड़ जाने चाहिए। अंबर उन्होंने मिलने गए है पर ये सब करने लिए तो बहुत खर्चा हो जाएगा ना भैन जी। तो फिर की है, भिखारियों का विआह थोड़ी है। खर्चा होएगा तो ही चर्चा होएगा ना। मॉम इतनी फैंसी अरेंजमेंट करने की जरूरत है? वैसे भी हले अरेंजमेंट के कितने दिन बचे? मेरी मनियो आपा ना एक छोटा सिंपल विआह रखते हैं। वड्डा विआह करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और आतिशा जी वाइफ बना के फिर अंगद जी मैं आम जा विआह करवा दिता, लोग कहेंगे कि माया कपूर नू अपने बेटे की मैरिज की खुशी ही नहीं हैगी। वैसे भी हुण आतिशा अपने घर की नूह बनने वाली है, उन्होंने हुणे तो ही अपना लाइफ स्टाइल अडोप्ट कर लेना चाहिए है ना आतिशा? पर माया जी, मनमोहन जी इतना सारा अरेंजमेंट कितना करेंगे? सो डैड, कोई एक्सपेंसिव वेडिंग नहीं होएगी। मेरी वेडिंग प्लानर ना गल हुई है एंड ही सेड कि कपूर्स दे लेवल दी मैरिज होएगी, तो भी घर दे विच एंड सब कुछ मैनेज हो जाएगा। पर बच्चे कुछ ना कुछ तो खर्चा होएगा ना? अब डोंट वरी पापा, असी वेडिंग प्लानर ने गल करी है, ईएमआई करके पैसे वापस कर देंगे, वो मान गए ने। देखिए शोभा जी, मेरा अवनी पुत हर एक चीज का हाथ कट लेंदा। हाँ जी वो तो है ही। पर अवनी तू ईएमआई भरेंगी किवें? ब्रो सैलरी विचों कट जाए करेंगे है ना बॉस? ना कहते भी अंबर ने पूरा पैसा पे कर दिता, दिल का इन्ना भी माड़ा नहीं है वैसे। चलो हम सैलरी विचों तो ईएमआई करती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। हम जे सब फिक्स ही कर लिया तो इवेंट प्लानर है कितने? साढ़े ना मिलाना नहीं सी वो बस मॉम। एक्सक्यूज मी अंबर। हाँ हाँ मिसेस सॉरी। हाँ जी ना कर यार, मैं पढ़न लग गया। चलो खेल दे है, बाद खेलेंगे। कदो खेलोगे? मेरा एग्जाम है उसी बाद खेलेंगे, मैं तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। हे आयुष्मान, प्लीज कम। सोए नहीं आयुष्मान? ए आयुष्मान, डैड मॉम ते ब्राइड। हाँ जी मैं ब्राइड की छोटी भैन आकृति। मैं तुम्हें कॉल की सी। ते ने उन्होंने मासी जी ते चाह। कैन यू शो मी द हाउस? या शो अंगद। यस ब्रो लेट्स गो। ओके सो आओ तुम्हें होम टूर दे देना। ये अपना कॉरिडोर है, उस तो बाद लॉन होएगा। एक्सक्यूज मी, I need to take this call. Give me one second. Hello? मेरे भरा ने अजे तक मेरी फोटो लगा के रखी, इसका मतलब वो अजे भी मैनू याद करता।
ਸੌਰੀ ਮਿਸਟਰ ਸੋਡੀ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਵੈਂਟ ਪਲੈਨਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਸੋਡੀ, ਕੈਨ ਆਈ ਕਾਲ ਯੂ ਲੇਟਰ? ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਾਨੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਧਰੁਵ ਕਪੂਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਏ, ਐਮ ਆਈ ਕਪੂਰ, ਮੇਰੇ ਪਰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮਿਸਿਸ ਮਾਇਆ ਕਪੂਰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਪੂਰਸ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਿਸ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੈਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਹੋਰ ਮੈਮ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਏ ਅਯੁਸ਼ਮਾਨ। ਹਾਏ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਪੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਐਨਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਯਾ, ਇਟਸ ਆਲ ਡਨ। ਯਾ, ਲੈਟਸ ਗੋ। ਚਲੀਏ ਮੈਮ। ਸੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਅਸ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਵੀ ਸੀਟੀ। ਯਾ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਿੰਦੀ, ਹਲਦੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਾ ਜੀਜੂ ਤੇ ਤਿਸ਼ੂ ਦੀਦ ਦਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੈਕੋਰ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਗਦ ਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਆਤਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਡਬਲ ਏ ਐਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟਨ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟਨ ਅਪ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਅਪ ਹੋਏਗਾ, ਇਹੋ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਾਨੀ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆਤਿਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋਰ। ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਤਿਸ਼ਾ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਹਾਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਚਾਹਤ, ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਦ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਓਗੇ ਆਂਟੀ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਲੋ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ। ਓ ਪਲੀਜ਼ ਆਂਟੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ? ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਥਿੰਗ। ਅੰਗਦ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਾ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਹਲਦੀ ਦੇ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਹਤ, ਜਦ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਆਤਿਸ਼ਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਦੀ ਐਂਡ।
माता रानी दा लख लख शुक्र है। बहुत वधिया हो गया जे माता रानी दी इस तरह ही कृपा बनी रहे। इस तरह ही होएगा पापा। देखो ना किन्ने चंगे दिन आ गए ने। फाइनली हुण आतिशा दी दा व्याह होण वाला है। इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन ना। हे माता रानी मेरा साथ दियो कि मैं इस घर दी खुशियां नूं प्रोटेक्ट कर सकां, किसे दी नजर ना लगे। चलो चलो इत्थे खड़े ना रहो, असीं भी व्याह दीआं तैयारियां शुरू करिए। हुण उह सारा कुछ वेडिंग प्लानर दे सिर ते थोड़ी सुट सकदे आ, है ना कृति? मैनूं ते विश्वास ही नहीं हो रहा कि तिशू दे व्याह दीआं रस्मां कुछ दिन च शुरू होण वालियां। कुछ दिनां तो नहीं, हुणे तो शुरू होणगीआं। कुछ दिन किसने देखे भाई साहब, मैरिज रिचुअल्स अज तो ही शुरू होणगीआं। असीं अपनी डॉटर इन लॉ लई शगुन लैके आए हैं। आतिशा कम हियर। आतिशा इत्थे आओ। ये की है आंटी? खोल के तो देखो। ये साड़ी खानदानी ज्वेलरी है। कुछ ज्यादा महंगी नहीं होनी, बस 2-3 करोड़ दी। दो तीन करोड़ ये माया कपूर सच्चे इस मैरिज लिए एक्साइटेड है या फिर? भैन जी ये असीं किवें रख सकते हैं, साड़ी तो इन्नी हैसियत ही। वो मैनू पता है पर साड़ी हैसियत है। आतिशा हुण तुहाडे घर दी नहीं साडे घर दा भी हिस्सा है, ते माया कपूर दी डॉटर इन लॉ इस तो चीप ज्वैलरी नहीं पाएगी। एंड दैट्स इट फाइनल। आतिशा कल तो असीं व्याह दी एक होर रस्म शुरू कर रहे हैं। हल्दी तो पहला एक पूजा होएगी व्याह दे शुभ आरंभ लई। सारे अरेंजमेंट हो जाएंगे, तुसी बस रेडी रहना। स्पेशल आतिशा ने। आतिशा तुसी हुण साडी फैमिली दा हिस्सा हो, साडे वर्गे बनके ही पूजा च बैठना है। समझ गए ना? हाँ जी आंटी। ठीक है कल मिलते हैं। नमस्ते। इन्ने महंगे गहने, मैनू तो घबराहट हो ही जा रही है जी। वो तो होनी है शोभा जी, साढ़े मकान नालों 10 गुणा वध कीमत है इन्हां गहिणियां दी। अच्छा बेटे तू इन्हां नूं संभाल के रख, किसी दीआं नजरां च ना आवे। ध्यान नाल। हाँ कोई गल नहीं, संभाल लेगी ओ। आ जाओ। कोई भी चीज बिना रीजन तो पता नहीं हो सकती, पर हुण की सोच रहे ने दी? की सोच रहे हो? तुहानू भी लगता कि एदे पिछे कोई माया आंटी दा प्लान है? पर बस समझ ही नहीं आ रहा कि ये प्लान की है।
आज मैंने जल्दी उठ जाना चाहिए था। आयुष्मान ने पूछ लेनी कि उन्हें कोई हेल्प चाहिए हो ये वेडिंग प्रिपरेशन में। वैसे तो उन्हें सब मैनेज कर ही लेना है। एनीवेज गुड मॉर्निंग दी। इस सवेरे सवेरे दी कितने चले गए? मैनू जो चाहिए सी मिल गया। बस हम तुसी मैनू ते ज्वेलरी नू लभन की कोशिश ना करो क्योंकि लभ नहीं पाओगे। सो गुड बाय आतिशा।